एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 7 और युग निकल गया है स्कूल। उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा चाय पी लेती हूँ फटाफट। एक्चुअली होता है क्या है ना, सुबह उठने के बाद ही चाय पीने का मन करता है, बट बच्चों के स्कूल रहते बहुत सारा काम रहता है, तो साथ ही साथ हड़बड़ी में मुझसे चाय बिल्कुल नहीं होता है। तो युग चला गया था स्कूल, प्रीत के स्कूल जाने में अभी 1 घंटा लगभग टाइम था, तो फिर मैंने सोचा उसी बीच चाय पी लेते हैं फटाफट, क्योंकि चाय पीने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगता है, काम करने में और ज़्यादा मन लगता है। नहीं तो उससे पहले थोड़ा आलस आलस दिल ही लगता है, नींद ही लगती है, लेकिन चाय पीने के बाद थोड़ा सा फ्रेशनेस आ जाता है। तो चाय हो गया था मेरा और मैं आ गई थी प्रीत का लंच पैक करने। तो फिर उसके सॉक्स भी मुझे देने थे, क्योंकि बच्चों को ना उनके सॉक्स, हैंकी, ये सब चीज़ कभी नहीं मिलती है। वो हमेशा चिल्लाते रहेंगे कि मम्मी कहाँ है ये चीज़ें, और आप भले कितने भी बोलो कि उस ड्रॉअर में है, वहाँ है, यहाँ है, बट वो सब चीज़ें उन्हें कभी नहीं मिलती है। तो ये सब चीज़ें मुझे ही निकाल के रखनी पड़ती कि ये देखो, ये तुम्हारा सारा चीज़ यहाँ रखा हुआ है, तुम ले लेना। तो वो सब हो गया था। उसके बाद मैंने फटाफट उसके लिए नाश्ता लगा दिया, क्योंकि लास्ट मिनट में अगर आप नाश्ता दोगे या लास्ट मिनट में नाश्ता करने के बैठेंगे तो वो इतने जल्दीबाजी में खाते हैं कि वो उन्होंने फूड को चबाया नहीं चबाया, कि सीधे निगल गया, वो कुछ पता नहीं रहता है। तो इसलिए मैं थोड़े से टाइम से बोलती हूँ कि खा लो, बाकी काम होते रहेंगे, लेकिन एटलीस्ट जो मॉर्निंग का नाश्ता रहता है, 2 ही रोटी तुम भले खाओ बट उसे अच्छे से खाओ, ताकि पेट में रहे कि हाँ कुछ खाया है। तो वही था। तो बच्चों ने नाश्ता कर लिया, प्रीत ने नाश्ता कर लिया, और फिर अब टाइम हो गया तो उसके निकलने का, तो वो निकल गया है और साथ ही साथ उसके पापा भी निकल गए हैं। और अब मैं आ गई थी साफ़ सफ़ाई करने। तो एक्चुअली मुझे आज इस एरिया की साफ़ सफ़ाई करनी है। रीज़न ये था कि सोफ़े के पीछे मैंने काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं किया था, और उस वजह से ये हुआ। नहीं तो मैं बीच बीच में काफ़ी, मतलब बीच बीच में जब भी साफ़ करती हूँ सोफ़े को हटा के, उसके पीछे मैं ज़रूर साफ़ करती थी। तो अभी ना काफ़ी टाइम से हो नहीं पाया था ये। तो एक्चुअली हुआ ये था, कल जब हम खा पी के बैठे थे सोफ़े में और बैठ के टीवी देख रहे थे, तो ना बड़ी गंदी सी स्मेल आ रही थी। तो मॉर्निंग से ही ये चीज़ हो रहा था, बट मैंने मॉर्निंग में इग्नोर किया था, क्योंकि मॉर्निंग में होता ये है कि सारे खिड़की दरवाजे खुले रहते हैं और बाहर भी कुछ स्मेल आता है ना, तो जब हवाएं चलती हैं तो वो अंदर घुसता है घर में हल्का फुल्का, तो वो आता है। तो इसलिए मैंने इग्नोर किया कि शायद बाहर से कुछ स्मेल घर के अंदर आ रहा है, बट वो मॉर्निंग से थोड़ा थोड़ा था। तो रात में जब सब खिड़की दरवाजे बंद हो गए और यहाँ बैठ के जब हम टीवी देख रहे थे, तो बड़ी गंदी सी स्मेल आ रही थी, कि जैसे चूहा मर जाता है 2-3 दिन होता है उसके बाद कैसे स्मेल आती है, एकदम ठीक वैसी। तो बड़ा ख़राब लगे। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कह के, बड़ी गंदी स्मेल आ रही, कुछ तो है, सुबह से ही आ रही थी बट मैंने इग्नोर किया था, बट कुछ तो है, देखना पड़ेगा। तो जब हमने सोफ़ा हटाया, उसके पीछे छिपकली मर के पता नहीं 2-3 दिन हो गया था, इतनी ख़राब मैं उसे देख के, मैंने जितना जो भी खाया था रात में ना सब लगा भी निकल जाएगा, इतनी ख़राब। उसके बाद मुझसे तो नहीं हुआ, तो मेरे हस्बैंड को ही मैंने कहा कि आप इसे प्लीज़ हटा दो, यहाँ से फेंक दो, मुझसे नहीं होगा, मुझे अभी उल्टी हो जानी है। तो फिर उन्होंने हिसाब किया, उसके बाद जो भी था पोछा ओछा करना वो मैंने वहाँ कर दिया था, बट पता नहीं संतुष्टि नहीं मिली थी, लग रहा था ना उस एरिया को पूरा धो ही डालूँ। तो धो तो नहीं सकती हूँ अभी, बट हाँ अच्छे से वहाँ से पूरे सोफे को मैंने हटा दिया है और झाड़ू मैंने लगा दी है। अभी पूरे अच्छे से वहाँ फिनाइल देके क्लीन करूँगी। जब तक उस एरिया को मैं पूरी अच्छी तरह से क्लीन नहीं कर देती हूँ संतुष्टि नहीं मिलेगी। पता नहीं देख ली हूँ कि क्या वो चीज़ ना दिमाग में घुस गई है कि वहाँ ऐसा कुछ था। तो वही मैंने वहाँ झाड़ू किया, साथ ही साथ मैंने पूरे घर को भी अच्छे से झाड़ू कर लिया। और देखिए गलती ऐसी ही होती है, मीन्स जब आप चूक जाओगे ना कहीं, मीन्स हल्के में लोगे कोई भी चीज़ को ना, तो फिर वहीं गलती होती है। मैं उधर लगभग हमेशा करती थी बीच बीच में सोफे को हटा के, या कोई भी फर्नीचर में उसके नीचे उसको हटा के उसके पीछे ज़रूर साफ़ करती हूँ। मेरा यही डर था शुरू से कि क्या पता दीवार से सटे रहते हैं फर्नीचर, क्या पता उनके पीछे सही में कुछ वैसा गिरा हुआ हो या कुछ कीड़े मकोड़े मर गए हों। तो इसी वजह से मैं हमेशा फर्नीचर हटा हटा के ज़रूर साफ़ करती हूँ, लेकिन अभी कुछ दिन से मैं कर ही नहीं पा रही थी, क्योंकि इधर दिवाली से छेड़ लेके छठ तक इतने ज़्यादा बिजी हो गए थे। दिवाली के पहले भी जो घर की साफ़ सफाई हुई थी उसी समय जो मैंने किया था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया था। मीन्स झाड़ू पोछा तो घर में देखे डेली हो रहा था, बट मैंने सोफ़ा हटा के नहीं साफ़ किया था, और उसी चक्कर में ऐसा हुआ। पता नहीं हम बाहर गए तो उस समय ये हुआ था या पहले हुआ था, पता नहीं। तो मेरी गलती थी, मुझे इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए था, मुझे एक बार सोफे हटा के साफ़ कर देने चाहिए थे, बट मैं मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं इतने अच्छे से डीप क्लीनिंग कर सकूं, क्योंकि एक्चुअली होता ही है ना कि दिवाली अभी जस्ट बीती है, ठीक है। तो दिवाली में आपने साफ़ किया रहता है तो फिर आप संतुष्ट रहते हो, मीन्स आप ये श्योर रहते हो कि नहीं पूरे अच्छे से तो मैंने क्लीन कर दिया है, तो ऐसा कुछ तो नहीं होगा। तो वही चक्कर था। तो उसी बहाने फिर मैंने अच्छे से पूरे घर को डस्टिंग भी कर दी, क्योंकि अभी अच्छे से घर में डस्टिंग भी नहीं हो पा रही थी। और उसके बाद जब से मैं लौटी हूँ उसके बाद इतनी ज़्यादा शेड्यूल बिजी हो गई है कि बिल्कुल कुछ भी काम नहीं हो पा रहा, हो भी रहा है तो काफ़ी लेट हो जा रहा है काम करते करते।
तो आज भी वही चक्कर था, आज तो मुझे स्पेशली इस एरिया को साफ़ करना था, तो आज तो लेट होना ही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि फटाफट अपने काम को ख़त्म करूँ, क्योंकि छोटा दिन है ना, काम करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है, उसके बाद ना जब नहा के आके नाश्ता करके बैठती हूँ ना, उसके बाद मुझे कुछ भी मन नहीं करता है, उसके बाद फिर खाना बनाना रहता है, खाना बनाते बनाते ही बच्चों के आने का टाइम हो जाता है, ऐसे कर करके शाम कब हो जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। तो उस एरिया को मैंने पूरे अच्छे से साफ़ कर लिया, पूरा सोफ़ा को मैंने हटा दिया था, उसके बाद मैंने पूरे अच्छे से उस एरिया को फिनाइल देके अच्छे से क्लीन कर लिया, उसके बाद फिर सोफ़ा को अपनी जगह सेट कर दिया। बट हाँ ये है कि अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूँगी, बीच बीच में एक बार मैं ज़रूर, चाहे कितने भी काम रहे, जब मैं झाड़ू करूँगी सोफ़े का हटाओ के पक्का मैं उसके पीछे साफ़ करूँगी। तो वही था, तो चलिए सोफ़े को अपनी जगह सबसे पहले सेट कर देते हैं, उसके बाद फिर बाकी घर को पोछा करेंगे। फाइनली मैंने इस वाले एरिया को साफ़ कर लिया था और अभी मुझे थोड़ी सी राहत मिल रही थी कि चलो एटलीस्ट मैंने पूरे अच्छे से साफ़ कर लिया फिनाइल देके, और स्मेल भी आई होप अब ना आए, क्योंकि कल वैसे मैंने साफ़ किया था, बट वो नहीं होता है कि मन नहीं मानता है जब तक आप पूरे अच्छे से हटाओ उठा के उस जगह के फर्नीचर को साफ़ नहीं करो, तो वही था, नहीं तो कल रात में ही भी मैंने अच्छे से पोछा ओछा था पूरा। तो काम करते करते काफ़ी लेट हो गई थी, उसके बाद फिर मैंने नहा लिया, और नहाने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। एक्चुअली हुआ ये था कि काम करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो गई, उस चक्कर में मैंने लास्ट में एकदम हड़बड़ा गई थी, नहीं होता कि यार लेट हो रहा है तो चलो फटाफट करते हैं। तो क्या हुआ, जो सीढ़ी थी हमारी छत जाने वाली, तो सीढ़ी में पर डे पोछती हूँ, तो वही मैं वहाँ पे दौड़ के चढ़ने लगी तो पैर हुआ स्लिप, और स्लिप हुआ पैर तो सीधे गिर गई तो एक्चुअली भूलिएगा पूरा लेट ही गई थी वहाँ, तो थोड़ा सा लेफ्ट हैंड और लेफ्ट पैर में हल्का सा लगा, उस समय तो वैसा पता नहीं चल रहा था, बाद में हल्का सा दर्द हुआ, तो लगा कि हाँ, तो वही मेरे हस्बैंड या मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि अभी रुक जाओ तुम्हें शाम में पता चलेगा, शाम होने तक पता चलेगा और कहाँ कहाँ चोट है, क्योंकि एक्चुअली ठंड के दिनों में तुरंत पता नहीं चलता है, धीरे धीरे पता चलता है कि यहाँ यहाँ लगा है, और ठंड के दिनों में होता है क्या ना, जो आपकी पुरानी चोटें हैं ना वो भी फिर उभर के आ जाती हैं, उसमें भी फिर दर्द स्टार्ट हो जाते हैं, तो वही यहाँ मजा ले रहे हैं कि रुको रुको भी पता चलेगा तुमको शाम तक कहाँ कहाँ लगा है, तो वो तो अच्छी बात है कि ज़्यादा मेजर लगा नहीं था, बस हल्का फुल्का लगा था, थोड़ा सा हल्का सा दर्द हो रहा था, वैसा नहीं था, तो उस वजह से मैं सो गई थी, और इनको भी मैंने कॉल कर दिया था, एक्चुअली मैं डर गई थी पता नहीं कहीं कुछ ज़्यादा हो गया, क्योंकि सीढ़ी में गिरने से ना बड़ा डर लगता है, तो ये आ गए थे, तो फिर ये सब कोई थे, तो फिर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर मुझे थोड़ा सा बेटर लगा, तो अभी मैं आ गई हूँ लोगों को खाना देने, युग भी आ गया, ये भी थे, प्रीत बस नहीं आया था, वो थोड़ा सा लेट से आता है, तो फटाफट मैंने इन लोगों को खाना दे दिया, और ये गिरने पड़ने के चक्कर में मेरा कपड़ा भी नहीं सूखा था, कपड़े भी मैंने बस धो के रखे हुए थे, सुखाना मैं क्या मैं बोलूँ, डर की वजह से मैंने कुछ काम ही नहीं किया था, मैं बेड पर लेटी हुई थी कि कुछ ना हो जाता, नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि आप हो घर में पूरे घर को संभालने वाले, और अगर आप पड़ जाओ तो फिर जो घर की हालत ख़राब होती है ना, ये मीन्स इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ मैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे साथ तो एटलीस्ट कभी कुछ ना हो, क्योंकि बड़ी दिक्कत होती है, तबीयत भी ख़राब होने से ना बड़ी हालत ख़राब हो जाती है घर की। तो चलिए फ्रेंड फटाफट कपड़े सुखा लेते हैं, नहीं तो धूप चली जाएगी तो मेरे कपड़े भी नहीं सूखेंगे, और इसी के साथ इस ब्लॉग को भी मैं करती हूँ एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।